तो भांडी कोंडी पण खेळायचं. चॅम्पियन चॅम्पियन त्या दिवशी आशेची करत होती. आज हम लोग लोहगढ़ जाने वाले और मैं बहुत ही जल्दी उठा हूँ. सुबह के लगभग 5:15 हो चुके हैं और मैं अभी सबको कॉल करूँगा जो भी मेरे साथ आ रहे हैं. आप व्लॉग देखते ही रहना. आपको मैं सब कुछ जो भी रास्ते में आएगा या व्लॉग में आएगा तो इंटरेस्टिंग होगा. मुझे भी पता नहीं है क्या क्या होगा तो बस देखते रहना. और फिर मैं जाता हूँ अभी नहाने. चलो मिलते. मैं यहाँ पे सोमेश के बिल्डिंग के बाहर आके रुका हूँ. ये बंदा अभी तक नहीं आया है और इतना लेट किया है भाई इसने. और ये देखो आ गया अभी अभी आ रहा है ये बंदा. अभी आ रहा है. टाइम दिखा मोबाइल पे. मराठी बोल. मोबाइल में टाइम दिखा. 6:30 बसून तयार आहे. नाही नाही मोबाइल पे टाइम दिखा तू. का दिखा ना. ये देखो मैं लगभग इधर 6:15 से आके खड़ा हूँ गाइस और ये बंदा अभी आया है. कुछ बोलना इसके बारे में. फोन टेव गाली. और ये बंदा अभी गाड़ी भी चलाने वाला है. चलता लोहगढ़ तक आते टाइम में चलाने वाला हूँ. ओनली हिंदी या नीग. ओनली मराठी नीग. कितना मराठी नीग. चला गाड़ी नी चालवाल नंतर. आता नको खर संग. अरे मेरे को वीडियोस निकालने. तू चला दे ग्लव्स. दे ग्लव्स भी उसने मिलने वाले. तू तेरी तैयारी करके आने का. नहीं ग्लव्स नहीं वाले. इसके इसके चश्मे पे फॉग आएगा. इस तू चला दे ले. अभी क्या है थोड़ा एग्जिस्ट करना पड़ेगा मेरे को. और ये मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है. तुझी हिंदी आईफोन माला कसं तरी. तू मराठी में क्यों बात कर रहा है भाई. लोगों को समझेगा कैसे. समझता है सबको. अभी मेरी भी आवाज आ रही है कि नहीं पता नहीं. पूरा पीके दिख रहा है ये. इसको बस रेडियो देना बाकी है. चला गे लॉक मध्ये गे. चला और ये आ गया गाइस. ये दिसत नाही. म्याव. अरे काय बोलले. ए गाली मध्ये काय लहान पोर. तू वैसे भी काला काला दिख रहा है. आयफोन दाखव. काला ही है वैसे. बंद कर रही है. ए, बन नहीं होगा ये. अभी आज के दिन पूरा ये व्लॉगिंग है. इधर इधर आ. इधर आ. बड़े तो होंडा तो हेलमेट. ए गाली मत दे. टाटा स्पॉन्सर चालू है थोड़ा सा. ये देखा एक्टिवा सोबत भेटते बघते. ये मराठी में कुछ बोल रहे हैं गाइस. मेरे को समझ नहीं आ रहा. शानपरा बघितलं का. शानपरा बघा. हिंदी की वाला. हां पीके पीके. ए तू बात मत कर पीके. अरे काय दिसत नाही. वही तो. कुछ सेटिंग रहता क्या इसका. क्या है ना पैसे द्यावे लागतात पूर्ण. तू पूरा दिन ऐसे ही करता रहेगा क्या. ओ बूट बघ. कुठले ते. हे माझे जिम चे बूट आहेत. जिमला कधी गेला होता. जिम को मैं 2 साल हो गया. ये इसके चश्मे को फॉग आ रहा है. आपको दिख रहा है क्या. हमको ठंडी लगता है. तुम जैसा नहीं है हमारा गरम. गाड़ी रे चालू आहे.
और ये गाली दे रहे तो ये पूरा दिन ऐसे ही रहने वाला है कांग्रेस। ये यश की बहन है गाइस और ये दोनों शर्मा रहे। कहा जाऊ पर एक काला काला क्यों दिख रहा है? पूरे पैसे भरने पड़ते फोन के। अरे पूरे ही भरे। ए किधर है ये लड़की? अरे अभी वो उसके राजवाड़े से निकल गई। शिट तू ऐसा नहीं कर मेरे साथ। ये सबसे लेट आई है। तोंड दाखो यश, आज सकाळ तोंड दाखो। गप्पे आंदन में अभी सब 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 मुंह छुप रहे सब। बार तीन वाले इतने तन मेरा धम्मा पट्टी इतने पट्टी इतना चल। अरे सब मुंह क्यों छुप रहे? चलो ये कोने नहीं ले। तू कॉल क्यों कट कर रही थी? त्या पप्पा ने क्यों दिला जत्रेत ना कॉल? हैं मैंने कॉल कट केले। मैंने कॉल कट केले। काट बाबा से पे हम लोग पहुंच गए। ट्रैकिंग नहीं है बस सीढ़ियाँ ही चढ़नी है। ये है हम लोग। एक बच्चा भी है हमारे साथ। ये तो तुम दोनों डिसाइड कर लो बच्चे को। जो उड़िया मार रहा है उड़िया 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 देख। और दो चार बच्चे भी उड़िया मार रहे हैं। कहाँ पे घूम जाता था फोन बिन सके घूम जाता थे। क्या बोला तूने? डायरेक्ट नग बिक चला ना रेडी बेटा। काय खा लो नग बिक मार ले डाल के ले भाई दंचे दांत ले यस्त काय हियो की हियो वाली पाँ पाँ। गेट लावले कारण की पाच वाजेनंतर सगळं बंद होतं म्हणून गेट लावले की रात्री कोणी जाऊ नको। खूप जण जातात ज्यांना कळलं ना। विदेशी समजते नाही बोललो ना तुला। ये सब है गाइस। अजून नाही झालं 9 वाजता होतो ना कधी झालं अर्धा तास दिखत रे कॅल्क्युलेटर। कॅल्क्युलेटर दिखा ना 25,000 करतोय तो आणि कॅल्क्युलेटर मध्ये इतना होशियार है। हा सगळ्यात अमीर माणूस आहे। अमीर माणसाकडेच कॅश असतात। कुठून येतात ते त्यांनाच माहिती असत। कारण तो पर हेड
25 रुपए टिकट्स निकाल लिए गाइस। स्कैन करून घ्या मित्रांनो, नेक्स्ट टाइम येताना काम पडेल। तो ऐसे टिकट रहता है, आप कभी भी आओगे तब निकाल लेना। और ये बच्चा आगे आगे चल रहा है, उसके पीछे उसको भूभू भी है। आगे आगे सॉरी। जब भी बारिश होती है तब ये जो स्टेयर्स है इस पे पूरा बारिश का पानी ऐसे नीचे जाता है और इतना मस्त दिखता है। अरे ये तो आगे गया था, पीछे कैसे आया? हाँ नहीं ये तो ये समझ रहे हो ना। गढ़ पे आ चुके हैं और ये अभी इसका मेंटेनेंस चल रहा है और भी ऊपर है। और ये एक बुरुज है। जय जय शिवाजी। ये दूसरा बुरुज है गाइस। तो अगर यहाँ से कभी भी मतलब दुश्मन लोग आते थे तो यहाँ से वो मतलब गरम तेल वगैरह वो डाल के या बांध बीन मार के, इसलिए ये जानबूझ के ऐसा जेड टाइप बना है। और यहाँ से भी एक नज़र है। तो जाते ऊपर यहाँ से वो दूसरे बुरुज के लिए जाते हैं। और ये रही एक नंबर। यहाँ से तुंग और टिकोना दिखेगा। तुंग किधर है? ये और वो तिकोना। सही है। अभी अगली बार ईसापुर जाएंगे। Thank you.
मजा। यहाँ से बाहर निकलते ही यहाँ से डायरेक्ट पीछे के रास्ते निकलते थे। कंडीशन नहीं रही, एक्सप्रेशन नहीं रहा। आता आता सेम टोन दाखो दाखो वाकड़ तोंड करती ना दाखो की ले। हाँ एक बाका सूर हेलो गाइस। तो मैं लगभग वहां से आ गया, मिसल वगैरह खाया हमने आकुर्डी में कीवड़े में, और फिर उसके बाद हम लोग घर आए और मैं तो डायरेक्ट सो गया। और सोने के बाद अभी उठा हूँ जस्ट। अभी कितने बज रहे, दो मिनट में आपको दिखाता हूँ। अभी लगभग 8:30 बज रहे। और चलो खाना रेडी हो गया, देखते क्या है। आवाज ये मेरी मम्मी। क्या है सुकम मुझे बटन्स नहीं मिल रहे। मिल गए तो ये देखो ना गाइस, ये हमारा डाइनिंग रूम। और ये लग गया है खाना, जो भी वेजिटेरियन है। सॉरी, अरे वाह, नुस्ती घड़िया ही घड़िया है हमारे घर। अभी ये घड़ी है, वो है घड़ी है, ये घड़ी है, मतलब टाइम का इतना ये है। और एक किचन में भी है, ये है। क्या ही बोले भाई। और बेडरूम में भी एक घड़ी है। हमारे घर में टाइम का बहुत ये किया जाता है। तो मैं आपको मिलता हूँ खाना खाने के बाद। बाय बाय। तो खाना वगैरह हो गया है मेरा। मैंने अभी ये पार्सल मंगाया था अमेज़न से। ये है अडैप्टर टाइप सी टू हेडफोन जैक। और ये इससे मैं अपना जो माइक भी मंगाया मैंने, जो ये ट्राईपॉड का लगेगा, और उससे मैं ब्लॉग कर पाऊंगा अच्छे से। ये आज जो ब्लॉग आने वाला है उसमें ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी नहीं, बहुत ही बेकार है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने वो माइक और ये अडैप्टर मंगाया, और हम लोग ऑडियो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो का मेन पर्पस ही ऑडियो होता है। और देखते सब कुछ। तो ये व्लॉग के लिए इतना ही। तो मिलता हूँ मैं आपको नए व्लॉग के साथ, और उस व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें नई होंगी, थोड़ा सा अपन इम्प्रूव करने के लिए ट्राई करेंगे। और मुझे बताना ये व्लॉग कैसे रहा, कमेंट सेक्शन में अपना
सब कुछ जो भी मतलब आपको पसंद आया ना पसंद आया, या मुझे जो इम्प्रूव करना है या और मैं कहाँ जाऊँ उसके बारे में थोड़ा बताना, या मुझे गालियाँ देनी है गालियाँ भी दे सकते हो। ऑब्वियसली मेरे जो दोस्त है वो तो कमी नहीं है, सारे वो तो गालियाँ ही देंगे, फिर देखते और कैसे होता है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नए व्लॉग में, हॉबी के लिए बाय बाय।